हेलो मेरे प्यारे कनेक्टेंट्स, दिवाली को बस कुछ ही दिन रह गए, तो इस बार मैं अपने मेहमानों के लिए बहुत ही बढ़िया सा डेजर्ट बनाने वाली हूँ, जो काफ़ी आसानी से भी बन जाता है, सर्व करते समय एकदम ही यूनिक दिखता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ। आई एम श्योर आप सब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो आज मैं आप सबके लिए बनाने वाली हूँ मुँह में घुल जाने वाला बहुत ही ज़्यादा क्रीमी ट्राइफल पुडिंग। एक्चुअली फ्रेंड्स, क्या है ना, मैं हमेशा ही फ्रेश इंग्रेडिएंट्स प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल ज़ेप्टो। रेसिपी बनाने के सिर्फ 10 से 15 मिनट पहले मैं सारे इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर कर देती हूँ और सारे एकदम टाइम पे डिलीवर हो जाते हैं। मुझे तो ज़ेप्टो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। एक तो 10 मिनट में सारा सामान आ जाता है और ऑप्शंस की भी कोई कमी नहीं है। आप इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स टॉप राइट पे जो लिंक है उस पर क्लिक करके ज़ेप्टो से मंगवा सकते हैं। ये देखिए, बस 10 मिनट में सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए। मैं तो ऑलमोस्ट मेरी सारी ग्रोसरीज ज़ेप्टो से ही बाय करती हूँ। आप भी इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और हाँ, जब आप बाय करेंगे ना, तो मेरा कूपन कोड कनेक्ट10 ज़रूर यूज़ करना, आपको मिलेगा फ्लैट 10% ऑफ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ट्राइफल पुडिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कस्टर्ड। तो यहाँ पे पैन में मैंने लिया है 1 लीटर दूध और इसमें से मैंने आधा कप दूध बचा लिया है। इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे, तो इसको लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। जब तक दूध उबल रहा है, यहाँ पे छोटे से बोल में मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पे मैं ये वेनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई और फ्लेवर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे आधा कप दूध, जो कि हमने पहले से ही बचा के रखा था। ये पहले से ही बॉयल किया हुआ दूध है और रूम टेम्परेचर पे। इसको मिक्स कर लेंगे, इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। इस पर कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा कस्टर्ड का घोल तैयार हो गया, इसको साइड में रख देंगे। चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दूध में बढ़िया सा उबाल आ गया है। अब गैस का फ्लेम लो मीडियम कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए और उबलने देंगे। तो जब तक दूध उबल रहा है, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ शुगर। तो यहाँ पर मैं टोटल शुगर यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा मीठा आपको पसंद हो। अब गैस का फ्लेम हम कर देंगे लो मीडियम पे और इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड का मिक्सचर इन बैचेस। तो थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड का घोल डालते जाइए और इसको लगातार ऐसे मिक्स करते जाइए, जैसे कि गाढ़ा हो जाए। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पूरा कस्टर्ड का घोल एक साथ नहीं डालना है, वरना वो बहुत ज़्यादा लंपी हो जाएगा, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा, कच्चा रह जाएगा और एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा घोल डालते जाइए और इसको लगातार मिक्स करते जाइए। और अगर आपको ऐसा लगे ना कोई भी लम्स फॉर्म हो रहे, तो आप यहाँ पे विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा घोल मैंने ऐड कर दिया और इसको मैं लगातार और कुक करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए, करीबन 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मिक्सचर बढ़िया सा गाढ़ा होने लगा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये देखिए, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, एकदम थिक पोरिंग कंसिस्टेंसी है। बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर हमको चाहिए ट्राइफल पुडिंग के लिए। काफ़ी गाढ़ा हो गया और ये देखिए, बैक ऑफ द स्पून भी कोट कर रहा है। बस और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, वरना क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना, ठंडा होने के बाद भी सेट हो जाता है। तो इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको आप चाहिए तो दूसरे बोल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी में रख रही हूँ ठंडा होने के लिए। फिर आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं 1/2 घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने पहले से ही जेली को सेट करके रखा है, क्योंकि इसको जमने में थोड़ा सा समय लगता है। एंड यहाँ पे मैं ये 2 फ्लेवर्स की जेली यूज़ कर रही हूँ, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल। तो आपके बच्चों को जो पसंद हो ना, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कट करेंगे क्यूब्स में, तो पहले इस साइड से और फिर इस साइड से, और फिर इसको ऐसे स्कूप आउट कर दीजिए। ये देखिए कितना ज़्यादा सैटिस्फाइंग है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको करने में। सारे क्यूब्स निकल गए, इसी तरह से दूसरी जेली भी कट कर लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे ग्रीन कलर की जेली भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आता है। ये तैयारी हमारी हो गई, इसको भी साइड में रख देंगे। नेक्स्ट, एक बोल में मैंने लिया है 1 कप व्हिपिंग क्रीम और इसको अब व्हिप करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको पहले बीट कर लीजिए। देखिए, जैसे जैसे आप बीट करते जाएंगे ना, तो क्रीम थिक होती जाएगी। तो उसको और लगातार बीट करते जाएंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि अच्छी खासी थिक ना हो जाए और एकदम स्टिफ पीक्स पे नहीं आ जाए। ये देखिए, मैंने काफ़ी देर इसको व्हिप कर लिया, आप देख सकते हैं अच्छी खासी डिज़ाइंस भी बन रही है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए, स्टिफ पीक्स पे है, बस ये परफेक्ट है। इस स्टेज पे हम बीट करना बंद कर देंगे और इसको क्या करेंगे, फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर सेट करने के लिए, जब तक हम असेंबली करेंगे।
तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे फ्रूट्स काटने का, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने जेप्टो से फ्रूट्स मंगाए हैं। ये देखिए एप्पल कितना ज़्यादा फर्म है, एंड कीवी की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं काफ़ी फ्रेश है, नहीं तो नॉर्मली काफ़ी नरम वाले कीवी मिलते हैं मार्केट में। और चलिए मैं आपको ग्रेप्स भी दिखाती हूँ, देखिए काफ़ी जूसी दिख रहे हैं। चलिए एक टेस्ट भी करके देख लेते हैं। काफ़ी मीठे हैं। अच्छा, जो अनार है ना मैंने पहले से उसको काट के रखा है, बाकी सारे फ्रूट्स अभी हम काट लेते हैं। तो सबसे पहले मैं काट रही हूँ एप्पल, छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए, इसको साइड में कर देंगे। नेक्स्ट मैं कट कर रही हूँ कीवी, नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे ग्रेप्स, और अगर सीड्स हैं तो उनके निकाल दीजिए, और लास्ट में कट कर रही हूँ बनाना। ये देखिए सारे फ्रूट्स हमारे कट रेडी हो गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट ट्राइफल पुडिंग के लिए हमको चाहिए स्पॉन्ज केक, तो मैं आज ये वाला स्पॉन्ज केक यूज़ कर रही हूँ जो मैंने जेप्टो से मंगाया है। तो ये हमारी सारी तैयारी हो गई, ये देखिए केक रेडी है। यहाँ पे मैंने लिया है ये ऑरेंज जूस, यहाँ पे हमारे फ्रूट्स रेडी हो गए, कस्टर्ड रेडी है, विप क्रीम रेडी है, दोनों जेलीज भी रेडी है। तो चलिए असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा सा बेकिंग शैलो ग्लास डिश, क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों के लिए बना रही हूँ, पर अगर आप चाहें तो ऐसे छोटे छोटे ग्लास में, जार्स में, कप्स में भी सेट कर सकते हैं इंडिविजुअल सर्विंग के लिए। तो सबसे पहले लगाएंगे केक की लेयर, तो सारे केक को अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए और थोड़ा सा दबा लीजिएगा, आप चाहें तो उसको तोड़ तोड़ के भी लगा सकते हैं। अब क्योंकि क्या होता है ना, केक थोड़ा सा ड्राई होता है, कभी आप खाएंगे ना तो मुँह में ऐसे ऐसे ड्राइनेस आती है, तो इसके लिए इसको करना है हमें मॉइस्ट। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज जूस, आप चाहें तो इसके बदले शुगर सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। तो पूरी जगह पोर कर लीजिए थोड़ा थोड़ा, ताकि केक बढ़िया तरीके से मॉइस्ट हो जाए। नेक्स्ट हम लगाएंगे फ्रूट्स, तो सारे मिक्स फ्रूट्स डाल दीजिए, जितनी मोटी या पतली लेयर आपको बनानी है। फिर हम डालेंगे जेली, और अब बारी आती है डालने की कस्टर्ड। तो ये देखिए कस्टर्ड एकदम अच्छे से ठंडा भी हो गया, सेट भी हो गया, इसका एक लेयर बना लेंगे। तो पूरी तरफ कस्टर्ड को अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। अब ऊपर हम लगाएंगे व्हिप क्रीम, और व्हिप क्रीम को भी अच्छे से इसे स्प्रेड कर लीजिए, पतली मोटी लेयर जैसे आपको चाहिए आप अपने हिसाब से स्प्रेड कर सकते हैं। और व्हिप क्रीम लगाने के बाद इसको हल्का से ऐसे स्मूदन आउट कर लीजिए, आप चाहें तो स्क्रेपर यूज़ कर सकते हैं या स्पैटुला यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से स्मूथ हो गया है टॉप, एकदम क्लीन लग रहा है। तो अब आपके ऊपर है, आप कितना यहाँ पे क्रिएटिव हो सकते हैं आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से अनार, थोड़ी सी जेली सब तरफ, आपको चाहिए तो और फ्रूट्स डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, और मैं डाल रही हूँ थोड़े से कीवी के पीसेस। लग रहा है ना बहुत ज़्यादा कलरफुल एंड प्रेजेंटेबल, तो बस इसको सेट करने के लिए रख देंगे फ्रिज में कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए। और अगर आप ओवरनाइट रखेंगे ना तो बेस्ट है, आप चाहें तो एक दिन पहले भी डेजर्ट बना सकते हैं। तो चलिए फ्रिज से निकाल के चेक करते हैं, देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारा ट्राइफल पुडिंग सेट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल दिख रहा है। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा है इसको काटने का, लेकिन चलिए मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। तो इस तरफ से पहले थोड़ा मैं काट लूँगी और इसको ऐसे स्कूप आउट कर लीजिए। वैसे इसके परफेक्ट बार से निकलते हैं क्योंकि पुडिंग है, ये देखिए लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस दिवाली में ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने मेहमानों के लिए, आई एम श्योर वो बहुत खुश हो जाएंगे। चलिए मैं आप सबसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।